दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दोस्तों, बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो सारे सीजन IPL के खेले हैं, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी टाइटल नहीं गया है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम हर साल ऑक्शन में कुछ ना कुछ गलती करती है, जिसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ता है IPL में। और इस साल भी दोस्तों, IPL 2019 के ऑक्शन में एक बहुत ही बड़ी गलती जो है वो करी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। तो दोस्तों, क्या है वो गलती, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने IPL 2019 के ऑक्शन में टोटल 10 प्लेयर लिए हैं। वही शिखर धवन को ये ट्रेड कर लाए हैं, यानी टोटल 11 नए प्लेयर जो है इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम में होने वाले हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों, सबसे बड़ा जो इन्होंने गलती करी है पिक कर वो किया है दोस्तों कॉलिन इंग्राम को लेकर, जहां पर कॉलिन इंग्राम को दोस्तों 6.4 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है। जबकि आपको बता दे कि कॉलिन इंग्राम जो है वो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, यानी वो ओपन करते हैं या फिर वन डाउन करते हैं। जबकि अगर हम दिल्ली कैपिटल्स को देखें तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे प्लेयर हैं इनके पास टॉप ऑर्डर के, जिनमें शिखर धवन है, पृथ्वी शाह है, श्रेयस अय्यर है और कॉलिन मुनरो है। और ऐसे में यहां पर दोस्तों क्या सोच कर लिया गया है कॉलिन इंग्राम को, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की जो नीड थी वो थी दोस्तों नंबर 5 और नंबर 6 का स्लॉट, यानी फिनिशर की जरूरत थी दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन यहां पर जो है उन्होंने पैसे लगाए हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम निकोलस पूरन के ऊपर भी गई थी, लेकिन फिर उनको खरीदा नहीं। उनके बाद हेटमायर के पीछे भी गई, उनको भी नहीं खरीदा। जबकि दोस्तों, ये दोनों प्लेयर यानी कि हेटमायर और पूरन जो है वो 5 करोड़ के अंदर ही बिक गए। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनके ऊपर थोड़ा सा और बिडिंग कर देती तो शायद दिल्ली कैपिटल्स को मिल जाते पूरन या हेटमायर, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा नहीं किया। और बाद में दोस्तों कॉलिन इंग्राम के ऊपर इन्हें 6.4 करोड़ रुपए लगाने पड़े। अब दोस्तों देखना होगा कि क्या ये निर्णय इनके काम आता है या फिर एक और बार जो है इनके अगेंस्ट जाता है IPL 2019 में, ये एक देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर कॉलिन इंग्राम को लेना, कॉलिन इंग्राम को खरीदना सही साबित होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट देकर जरूर बताएं।